एक तरफ देश में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया जा रहा था तो दूसरी तरफ दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में उथल पुथल मची हुई थी। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को जो झटका लगा है उससे हाल फिलहाल में उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बुधवार को अडानी की नेटवर्थ में एक बार फिर बड़ी गिरावट आई और वे अरबपतियों की लिस्ट में खिसक कर सीधे 15वें नंबर पर पहुंच गए। आपको बता दें कि गौतम अडानी के साम्राज्य में ये सुनामी महज एक हफ्ते में आई है। हिंडनबर्ग ने बीते 24 जनवरी को अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें ग्रुप पर कर्ज को लेकर भी दावे किए गए थे। इस रिपोर्ट के बाद से ही अडानी ग्रुप के निवेशकों के सेंटिमेंट पर ऐसा असर पड़ा कि गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर भरभराकर टूटने लगे। यही नहीं, गिरावट का ये सिलसिला तब से अब तक लगातार जारी है। शेयरों में गिरावट के चलते गौतम अडानी की नेटवर्थ में हर रोज कमी आ रही है। मंगलवार को ही अडानी टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट से बाहर हुए थे, वहीं अब वे खिसक कर 15वें पायदान पर पहुंच गए हैं। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की नेटवर्थ में बीते 24 घंटे में ही $13.1 अरब की कमी आई है और अब उनकी कुल संपत्ति महज $75.1 अरब ही रह गई है। बीते साल 2022 में गौतम अडानी दुनिया के अन्य अमीरों की तुलना में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अरबपति रहे थे और टॉप 10 की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। वहीं नया साल 2023 उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। पहले जेफ बेजोस ने उन्हें पीछे छोड़ा और अडानी चौथे नंबर पर खिसक गए। वहीं हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से हर दिन के साथ वे लिस्ट में पिछड़ते चले गए। रिपोर्ट पब्लिश होने के 4 दिन बाद ही टॉप 10 बिलियनर्स लिस्ट में वे खिसक कर 10वें नंबर तक लुढ़कते हुए लिस्ट से बाहर निकल गए। वहीं 1 फरवरी को उनकी नेटवर्थ में $13 अरब की जो बड़ी गिरावट आई उससे वे 15वें नंबर पर लुढ़क गए हैं। अडानी ग्रुप के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 7 कंपनियों के शेयरों में जो गिरावट आई है उसके चलते अडानी ग्रुप की कंपनियों के कुल मार्केट कैप में सिर्फ 4 दिनों में ही करीब 7 लाख करोड़ रुपए घट गया है। अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में बीते 5 दिनों में सबसे ज्यादा यानी 20% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा शेयर बाजार में लिस्टेड उनकी कंपनियों अडानी पोर्ट्स से लेकर अडानी विलमार तक के शेयर बुरी तरह टूटे हैं और गिरावट का यह सिलसिला अभी भी जारी है। बजट डे यानी बुधवार को शेयर बाजार में कारोबार के दौरान गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में आई गिरावटों की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयर सबसे ज्यादा टूटे। कंपनी के स्टॉक 26.70% या 794.15 रुपए की गिरावट के साथ 2179.75 रुपए के स्तर पर बंद हुए। इसके बाद अडानी पोर्ट्स के शेयर 17.73% या 108.65 रुपए फिसल कर 504 रुपए पर बंद हुए। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की बात करें तो अडानी टोटल गैस के स्टॉक में 10% या 210 रुपए की गिरावट आई और ये 1897.40 के लेवल पर बंद हुए। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर 5.19% टूट कर 1160.40 रुपए पर रुके। वहीं अडानी विलमार के शेयर 5% गिरावट लेकर 443.15 रुपए पर रहे और अडानी पावर स्टॉक 4.98% से गिरकर 212.65 रुपए पर बंद हुए।